एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करते करते हरिन के पीछे भागते भागते रास्ता भटक जाता है और वो अब बहुत रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसको जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। उसके पास जो राशन पानी होता है वो भी दो दिन में ख़त्म हो जाता है। अब वो शिकारी बहुत भूखा पड़ जाता है, इधर उधर खाना ढूंढने लगता है और तीन दिन के बाद देखता है जंगल में एक सेब का पेड़, एप्पल ट्री। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब वो उस एप्पल ट्री के तरफ देख के दो हाथ नमस्कार करके आकाश के तरफ भगवान को धन्यवाद करता है कि मुझे तीन दिन के बाद हे भगवान तुमने एप्पल ट्री के दर्शन कराए, अब मैं एप्पल खाऊंगा, मेरा पेट भरेगा। शिकारी तुरंत एप्पल ट्री के पास जाता है और उस एप्पल ट्री से 15-20 एप्पल तोड़ लेता है। जब वो पहला एप्पल खाता है उसको बहुत मज़ा आता है, बहुत सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो तीन दिन से भूखा होता है। वो हर एक बाइट पे भगवान को धन्यवाद देता है, हे भगवान मैं भूखा था, मैं मर जाता, तुमने मुझे इस जंगल में भी खाना दिया। लेकिन जब वो दूसरा एप्पल खाता है थोड़ी देर के बाद, अब उसको उतना अच्छा नहीं लगता है, अब उसके मन में उतनी धन्यवाद का भाव नहीं रहता है। और जब वो पांचवे या छठे एप्पल तक पहुंचता है तब उसके मन में जो वो ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस होता है वो धीरे धीरे बहुत कम होने लगता है। अब तो वो एप्पल्स को चख के देखने लगता है और जो एप्पल्स अच्छे नहीं होते टेस्ट में उनको फेंकना भी शुरू कर देता है। वो कहता है नहीं, वो पहले वाला एप्पल जितना मीठा था ये एप्पल्स उतने मीठे नहीं हैं। इसको अगर आप इकोनॉमिक्स की भाषा में समझेंगे, इसको आप कहेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन इसको आप स्पिरिचुअल भाषा में समझेंगे तो आप कहेंगे डिमिनिशिंग ग्रैटिट्यूड। दोस्त, इस छोटी सी घटना में हमें एक चीज़ समझ आती है, ये हंटर कौन है? हम, आप, हमारे आसपास के सब लोग, और ये एप्पल्स हमारे गिफ्ट्स जो हमें भगवान ने दिए हैं। हम कभी इनके लिए भगवान के पास ग्रेटफुल नहीं होते, कभी भी धन्यवाद नहीं कहते भगवान को कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है। मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन शुरू हो गया है। अब अनलॉक 1-2 के बाद अनलॉक 3 की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना का कहर, कोरोना का डर आज भी हमारे जहन में समाया हुआ है। आज भी हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं जब तक बहुत ज़रूरत ना हो। आज हम भगवान को रोज थैंक यू कह रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हे भगवान आज हमारे पास खाना है। अगर कोई रिश्तेदार हमें फ़ोन करके हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी पता करता है तो आज हम खुश हो जाते हैं। आज हम खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉड 2 महीने खुद से काम करना पड़ा, अब तो बाई आ रही है। थैंक गॉड आज भी हमें मीठे आम खाने को मिल रहे हैं। थैंक गॉड आज भी मैं स्वस्थ हूँ, आज भी मुझे कोरोना नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए, ये सब कुछ क्या कोरोना होने के पहले भी आपके पास नहीं था? था ना, लेकिन कभी भी हमने शायद भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। दोस्त, थैंक यू गॉड, इससे बड़ी कोई प्रार्थना इस दुनिया में नहीं है। हमारे पास इस सिचुएशन में 2 choices हैं, बी ग्रेटफुल और बी स्ट्रेसफुल। हम इस परिस्थिति में 2 काम कर सकते हैं, या तो हमारे पास जो है उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं, या हम
स्ट्रेसफुल हो सकते हैं ये सोच सोच के कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। ये कहते टाइम मुझे एक न्यूज़ याद आ गई, मैंने एक डेढ़ महीने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ी थी जब इटली में कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा था। एक 73 इयर्स का ओल्ड मैन 10 दिन कोविड-19 के साथ लड़ने के बाद स्वस्थ होके उसको छुट्टी मिलती है। वो बिल देख के रोने लगता है। डॉक्टर्स सोचते हैं कि बिल बहुत ज़्यादा है इसीलिए उस बूढ़े इंसान को तकलीफ़ हो रही ही है। डॉक्टर कहते हैं मत रोओ, हम बिल कुछ कम कर देते हैं। उस बूढ़े इंसान ने जो जवाब दिया उस जवाब ने तो डॉक्टर्स को ही रुला दिया। वो बूढ़ा अंकल कहता है मैं इसलिए नहीं रो रहा कि बिल ज़्यादा है, मेरे पास काबिलियत है इस बिल भरने की, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि आप सबने एक दिन ऑक्सीजन मुझे देने का 15,000 यूरो चार्ज किया है, यानी कि जो इंडियन रुपीस में लगभग 4 लाख रुपए होता है। दोस्त, हमारे आसपास के लोग भी जब कोरोना लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं उनका भी बिल तकरीबन 50 से 1 लाख तक आ रहा है। बूढ़ा इंसान कहता है ईश्वर ने 73 इयर्स 365 डेज 24/7 मुझे फ्री एयर दी, फ्री ऑक्सीजन दिया, मैंने एक बार भी भगवान का धन्यवाद नहीं दिया। मैं भगवान के पास कितना इंडेटेड हूँ, कितनी कृतज्ञता मेरे पास रहनी चाहिए भगवान के लिए। हाँ दोस्त, हम कभी सोचते ही नहीं हमारे पास इतना कुछ है, हम आज सेफ हैं, हेल्दी हैं, इतना काफ़ी नहीं है। आप एक स्मार्टफोन लेके इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, क्या इतना काफ़ी नहीं है? और एक बात आपको बताती हूँ, अगर आप ग्रेटफुल होते हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आज हम सब इम्यूनिटी बूस्टर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, भगवान के पास ग्रेटफुल रहिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। और अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी, आप वीक हो जाएंगे। और जाते जाते और एक बात कहती हूँ, इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वॉट यू हैव, यू विल हैव मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। अगर आपके पास जो है उसके लिए आप भगवान के पास ग्रेटफुल हैं तो आपको भगवान इतना कुछ देगा ताकि आप और ग्रेटफुल हो सकें। दोस्त, सुबह से रात तक जब आपको टाइम मिले बस आपको थैंक यू मोड में रहना है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसीविंग मोड। तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से बहुत कुछ डाउनलोड होता रहता है, जो पॉजिटिव एनर्जी को काम में लगा के आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाएंगे। बस इतना ही कीजिए, कोरोना अपने आप चला जाएगा धीरे धीरे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ये नॉलेज उनके पास भी जा सके। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, शिक्षा बांटनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।